मुल्क में आम चूंड लाइ 28 जनवरी साल 2024 आचर की तारीख मुकर कर जो इम्कान इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के बिन दिन बाद लिखत में आगाह कर छी। हुकूमती जरिए मौजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ का तजवीज़ कल तारीख से चूंडू कराने की तैयारियों शुरू कई वही हैं। तकबंदन से एतराज पेरी नवंबर का बुधा वा। वजीर आजम जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से अदालती फैसले खिलाफ अपील में वन जो ऐलान। फौजी अदालतों खिलाफ फैसले से अपील दाखिल कराई वी। कानून में तब्दीली जो हक पार्लियामेंट वट है। अनवार अल्लाह काकड़ है तो तूरखम ए चमन बॉर्डर त लखें गैर कानूनी तौर से तरसिल गैर मुल्की वापस वही चुका है। जे पर गैर कानूनी तौर से तरसिल उन खिलाफ कार्रवाई थी जिते गैर कानूनी मानू थी सगन था। उते गोला जारी है। डेडलाइन खत्म थे कानून लागू कदड़ इदारा कार्रवाई कदा। गैर मुल्कन के निकाली वाले मुद्दे में वाद जो कोई इम्कान ना है। वफाकी घरू वजीर सरफराज बुख्टी जो ऐलान चवे तो कें मुल्क में ये ना है थी तो सरकारी दस्तावेज का सिवा 12-15 हज़ार मानू इंदा वेंदा रहन। 31 अक्टूबर का गैर कानूनी तौर से तरसिल गैर मुल्कन लाए काबू जाए ना है। चूंडन में सिक्योरिटी जो चैलेंज वडो है पर असा चैलेंज के मुंह दींदासी। फैजाबाद धरणों केस पैसे से अमल रामद लाए कमेटी कायम। हुकूमत टिन सफन से बदल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए छो। अटॉर्नी जनरल तरफा जमा करल जवाब में चयो है तो 6 फरवरी साल 2019 से डिनल फैसले से अमल दरामद यकीनी बनाने लाए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कई वही है। 3 रुकनी कमेटी ISI के डायरेक्टर दफा ए घरू वजारत के एडिशनल सेक्रेटरीज से बदल है। कमेटी के TORs ए रोशनी में जांच कर जिम्मेवार जो तयन कर जिम्मेवारी दिनी वही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के शोकास नोटिस जारी कर छो। चीफ जस्टिस काजी फायजी साजी सदारत हेठ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में अगूणे नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत मुख्तलिफ जजिस खिलाफ शिकायतों को जायजो वरतो वो। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के शोकास नोटिस जारी कर रहे। साइफर केस में PTI चेयरमैन की जमानत वाली दरख्वास्त रद्द। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज थियल फैसलो बुधाए छो। PTI चेयरमैन के केस खारिज करने वाली दरख्वास्त पर रद्द। तफसीली फैसले में चयो वो है तो PTI चेयरमैन वजीर आजम की हैसियत से साइफर वसूल कर जाहरी तौर गुम कर छो। साइफर के सियासी मकसद ला इस्तेमाल किया पर रही ऑफिस के अमलदार के बयान में वाजे है तो इन में का गैर मुल्की साजिश शामिल ना। अदालत धुरन जहा दलील बुधण का 16 अक्टूबर से फैसलो महफूज किया। नून लीग अगवान अगूणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के परे वन का रोको वो। शाहिद खाकान अब्बासी चाइना एयरलाइन की उड़ान जरिए इस्लामाबाद का चीन वही रो हो। जरियन मौजूद FIA अख्तियार स्टॉप लिस्ट में नालो हो सबब शाहिद खाकान अब्बासी के परे वन का रोको। PIA के माली बोहरान सबब फ्लाइट ऑपरेशन मुअतली जो शिकार अज भी 58 पर डेही तोड़े डेही उड़ामू मुलतवी कई वही। 11 दिन में PIA के मुअतल थियल उड़ामन जो अंग 537 थी वो। मुलतवी थियल उड़ामन में कराची इंदड़ वेंदड़ 22 उड़ामू भी शामिल। इसराइली फौज के गजा से यकीनी बमबारी वधी करणा फलस्तीनी शहीद शहीदन जो अंग वधी 7085 थी वो। इसराइली फौज जो उलंद किनारे में वो ऑपरेशन 100 का वधिक बख्तरबंद गार्डन में रामला में दाखिल। हिज़्बुल्लाह जो हमास की हिमायत से हथ रखण जो ऐलान। भारत के गैर कानूनी कब्जे खिलाफ अज कश्मीर जो कारो डी वाला कश्मीर पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में एहतजाज रिकॉर्ड कराया पे वे। सिंध के मुख्तलिफ शहर में रैलियों कश्मीर साबदी के इजहार। मलीर सखर खैरपुर कंबर शहदादकोट नवाबशाह सांगड़ नौशर फरोज मिठी उमरकोट में रैलियों कटी वयू। वालल कश्मीर अज दुनिया जो सब का वो जेल है। आजादी वालल कश्मीर के अवाम जो बुनियादी जमहूरी हक है। अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी पांचे पैगाम में कश्मीर से हमदर्दी बधी जो इजहार कदे है तो ताकत से वालल कश्मीर के मानों जो आवाज़ दबाए नो सजे। भारत दुनिया में दहशतगर्द मुल्क की हैसियत से वायखो थी चुको है। वालल कश्मीर की आजादी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो मिशन हो। शहीद बेनजीर भुट्टो आर्मी फ्लोर से कश्मीरी अवाम जो आवाज़ बुलंद कर। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह से मोदी के कासाई तौर मुतारफ़ कराया है।
कादिरपुर के गबरू थाने की हद कच्चे में कार इल्जाम हेठ मुड़स हथा जाल कतल जवाबदारी सबंगवार गोली हणी जाल जमीरा खातून के कतल करे फरार थी वही। हैदराबाद टंडो यूसुफ थाने की हद में मुंबई ना पुलिस मुकाबलो एक डुहारी मारजी वो हथियार मंशियात अथ बदीन चाले वट मंशियात डीलर की मौजूदगी वाले इतलाते पुलिस कार्रवाई कई तो डुहार से मुकाबलो थी पो पुलिस मौज फायरिंग डे वट में एक जवाबदार मारजी वो मारजी वे डुहार की सुणप सजाद सवाती पठान के नाले से थी संदस कब्जे में ब क्लाशन कोफ आइस मिली है जवाबदार आइस जो वो डीलर हो। मातली वेझो नौजवान नारी मुबैना तौर जहर दई कतल गोठ खुदाबख्श सियालवासल 21 वरन जी सभागी सियाल जो लाश साल के अस्पताल मातली आंदो वो नारी के भाव मोहम्मद ईसा चवाए तो भेण गोठ के एक नौजवान के पसंद कंदी हुई जे खेस निकाह जो चई घुराए साणस धोखो कंदे खे जहर दई मारे छो वाकई जो नोटिस वी इंसाफ कर वे पुलिस मौजूद वाकई की जांच कई पे वे घोटकी में जेल भर से मुड़स हथा गोली लगन सबब जाल मारजी वही आबिद गराणी मथा पिस्टल में मुबैना तौर इतफाकी गोली छुटन सबब संदस घरवारी फौजिया गराणी थरे दम दिनो इतरा पुलिस लाश खणाए पोस्टमार्टम ला अस्पताल पहुंचाया। गराणी बिरादरी के मान चवण है आबिद गराणी के साले के पुट जो जाओ खुशी में कल फायरिंग सबब इतफाकी गोली लगन सबब वाक्य पेश आयो है। फकीराबाद में भर पासे में उड़ी तेजाबतो न आयो एक ही रात में मासूम भायर फौत गोठ बेगो खान चांडियो में अब्दुल कादिर अब्दुल कद्दूस चांडियो उड़ी विघे फौत थी वया एक हफ्ते अंदर उड़ी विघे हयाती वंजाइंदड़न जो अंगु टे थी वयो मांझन तालके में मलेरिया में वरतल टे बाड़ा फौत थी वया तालके के मुख्तलिफ अस्पताल में रोजानो की बुनियाद से मलेरिया जहा 50 का वधिक केस रिपोर्ट थियण लगा फौती बाड़न में बाबर सोलंगी जान मोहम्मद बरहमानी यासर शामिल।